डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपके जो क्लास फेलोज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आप थोड़े से ही हैं, तो अभी आपके पार्टिसिपेंट्स में वेट करना चाह रहा था कि आपके पार्टिसिपेंट्स आ जाए तो हम लोग कंटिन्यू करें अपने लेक्चर को। लेकिन आपके जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं वो इंतहाई कम है। अब दो चार पार्टिसिपेंट्स हैं तो लेकिन हम लोग कितना वेट कर सकते हैं? 5 मिनट्स ऑलरेडी हम लोग 7-8 मिनट वेट कर चुके हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट तो करना है। देखते हैं कब तक ज्वाइन करते हैं। आज अगर कुछ स्पेशल नेट का इशू है तो डोंट नो, हमारे तो नेट के सिग्नल पूरे आ रहे हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक था स्टूडेंट्स, वो यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से था। अभी हमारा लास्ट लेक्चर जो यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो हमने कल वाइंड अप किया उसको, वो और ये हमारा टॉपिक जो था वो ख़त्म हुआ। आज हम लोग जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जिन जिन टॉपिक्स के हमारे पास नोट्स अवेलेबल होंगे या जो जो इजी टॉपिक्स हैं, हम लोग उनको पहले कवर अप करते जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग बाकी की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह उतनी देर में आपकी कोई बुक भी अच्छी मार्केट में आ जाएगी तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो फिलहाल यूनिटी एंड फेडरल गवर्नमेंट्स जो है, इसके आगे आप पढ़ेंगे फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन, इनमें क्या फ़र्क है, ये क्या होते हैं, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, तो ये तमाम चीजें जो है वो आप इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दो तीन पार्टिसिपेंट्स के साथ तो वैसे ही भी बंदे का जो है वो जब कहते हैं ना कोरम ही पूरा नहीं होता, तो इजलास का फायदा नहीं, हमारा कोरम ही पूरा नहीं हो रहा, एटलीस्ट हाफ तो होने चाहिए ताकि हम लोग स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, मैंने एक दफा लेक्चर दे दिया तो एटलीस्ट आपका जो है वो, मैंने तो पढ़ा दिया, मेरी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा हो वो इस लेक्चर को सुन लें, ताकि जो है कुछ ना कुछ दो बातें उनके माइंड में चली जाएं, सारी नहीं भी जाती, कुछ दो चार चली जाएं ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मेरी इसीलिए कोशिश है, मैं इसीलिए थोड़ा सा डिले भी कर रहा हूँ कि मैक्सिमम दो चार और स्टूडेंट्स ऐड हो जाएँ, ताकि हम अपने लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करें, अपनी टॉपिक को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन आज सूरत हाल मुझे कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही स्ट्रेंथ के हवाले से आपकी। बहरहाल करते हैं स्टार्ट हम थोड़ा थोड़ा सा। निकाल लीजिए पेज जो था यूनिटी एंड फेडरल गवर्नमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ। डिवीजन ऑफ पावर्स इन गवर्नमेंट्स एंड रीजनल बेसिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। वैस्ट टेरिटरी ऑफ मॉडर्न स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। Thus, local and regional governments are also involved in day-to-day administration along with the national government. The underlying motive for the promotion of local or regional government is to give political participation. कुछ students आ रहे हैं, उनको भी add कर लेते हैं। जी, the underlying motive for the promotion of local or regional government is to give political participation to local people in local matters. If the burden of administration is also in all matters is laid on central government only, its result in increasing the load of work on the central government, thereby adversely affecting its output. It is therefore deemed it proper to get the local people involved in administrating their local affairs. Maximum political participation thereby can be attained at different levels, which is the basic principle of democracy. अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इसमें जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है, क्या मैसेज करें, पेज नंबर बेटा नोट्स के ऊपर पहला शुरू ही है, पेज स्टार्टिंग जो है वो पेज ही है।
191 वैसे मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो पेज है वो ये टॉपिक का पहला सफाई है, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको दोबारा बता देता हूँ, पेज हमारा यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, पेज नंबर ये 199 आप कह लें, और टॉपिक है यूनिट एंड फेडरल गवर्नमेंट, पेज नंबर 1 पहला पेज है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर रहे जी, देखिए पहले सबसे पहले सुनिए जी, यूनिटी एंड फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटी गवर्नमेंट देखिए, यूनिटी क्या होता है, यूनी क्या होता है, एक चीज को कहते हैं सिंगल। जैसे यूनिपोलर है, बायपोलर, हम लोग मैंने आपको बताया था यूनिपोलर क्या होता है, बायपोलर क्या होता है। अच्छा, फेडरल, फेडरल किसको कहते हैं, वफाक। ठीक है, अब वफाकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, यूनिटी गवर्नमेंट, इनमें फर्क क्या है। देखिए यूनिटी का मतलब है इकाई, एक सिंगल, और फेडरल होता है वफाकी, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होती है। यूनिटी सिस्टम के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर जो है वो नहीं होती रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के हवाले से, गवर्नमेंट के तमाम जो चीज़ें इख्तियारात होते हैं उस हवाले से आप बात करते हैं। नहीं बेटा, यूनिटी इतिहाद की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यूनिटरी होती है। तो उस हवाले से वो बात कर रहा है। देखिए वो कह रहा है कि ये बड़ा एक अहम पहलू है, स्पेशली आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, कन्वीनियंस के लिए हम जो है वो अपने इख्तियारात जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, बहुत बड़ा इलाका है, तो उसको हम इलाके को डिवाइड करते हैं। देखिए डिवीजन क्यों की जाती है, डिवीजन इसलिए की जाती है कि आप जो है वो वहाँ पे उनके जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल कर सकें। अब डिवीजन ऑफ पावर होती है, एक बंदे के पास इतने इख्तियारात नहीं होते, इतनी सख्त नहीं होती कि वो तमाम चीज़ों को जो है वो कर सके। जैसे आप देखते हैं आपकी कबीना होती है, कैबिनेट होती है, एक सबॉर्डिनेशन सिस्टम होता है, सबॉर्डिनेशन, क्योंकि एक बंदा हर चीज़ को सुपरवाइज नहीं कर सकता। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, मैं आपको वैसे निज़ाम बता रहा हूँ फेडरल का, कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें सबॉर्डिनेशन सिस्टम होता है। लाइक जैसे आप देखते हैं मैनेजर होता है, फिर उसके बाद आप देखते हैं वो एक एक्टिंग मैनेजर होता है, फिर ये नीचे और अमला, कैसे तमाम लोगों के तहत आप एक सिस्टम को रन करते हैं। एक बंदे के पास इख्तियारात और एक बंदे के पास इतनी सख्त नहीं होती उनको चला सके। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में आप देखते हैं कि वफाक जो है अपने इख्तियारात जो है वो सूबों में डिवाइड करती है, डिवीजन ऑफ पावर करती है। उसमें आप प्रोविंसेस के पास देखते हैं इख्तियारात, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उनको इख्तियारात देता है, वफाक उनको इख्तियारात देते हैं, कुछ मामलात में खुद मुख्तार होते हैं और कुछ मामलात में आप देखते हैं कि वफाक के पास इख्तियारात होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो उस हवाले से ये बात कर रहा है कि जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है वहाँ पर आप देखते हैं वास्ट टेरिटरी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको जो है सुपरवाइज करना तमाम चीज़ों को, तमाम मामलात को अकेले से। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर करते हैं। फेडरल में डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर आप ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होती है। जब डिवीजन ऑफ पावर होगी तो इख्तियार डिवाइड होते हैं, निचले सतह पर जाते हैं, रीजनल लेवल पर जाते हैं, प्रोविजनल लेवल पर जाते हैं, तो उसमें उससे जो है सुपरविजन करना आसान हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को चलाना आसान हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे आपको चीज़ें नजर आएंगी कि तमाम मामला जो है वो इख्तियारात किसी एक बंदे के पास नहीं होते, जो इख्तियारात है उनको डिवाइड किया जाता है, और अगर कोई आप अमेंडमेंट करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो पार्लियामेंट के थ्रू आप जो है वो उसमें उसके ऊपर नज़रसानी करते हैं और उसको उसको अमेंड किया जाता है। तो ये तो आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम हो गया, लाइक जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसमें फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वफाकी जो हुकूमत है, और वफाकी हुकूमत वहीं पे होती है जहाँ पे आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो जी उसनैन जट साहब, ये पेज पहला ही पेज है आपका, ठीक है, पहला यूनिटी एंड फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये मैं आपको फेडरल बताता हूँ। अब जैसे यूनिटी में क्या होता है, देखिए यूनिटी में होता है, यूनिटी में इख्तियारात की जो है डिवीजन नहीं होती। लाइक आप इसको एक किस्म का इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि डिक्टेटरशिप के अंदर होता है, डिक्टेटरशिप के अंदर आप देखते हैं कि इख्तियारात किसी एक बंदे के पास होते हैं। डिक्टेटरशिप समझते हैं आप, सारे समझदार हैं। लाइक देखते जैसे हमारी कंट्री के अंदर माशाल्लाह मोर देन हाफ एन एवर आप देखते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है वो हो रही, मिल्ट्री ऑक्यूपेशन जो है वो नजर आती है आपको। तो उस हवाले से देखते हैं कि तमाम जो इख्तियारात होते हैं वो एक बंदे के पास होते हैं, वो डिवीजन ऑफ पावर नहीं करता। ठीक है, अगर करता भी है तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, जो उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अल्टीमेट इख्तियारात फिर उसी के पास होते हैं, वन मैन शो होता है।
तो बेसिकली यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज है, डिवीजन ऑफ पावर है, वो नहीं होती यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। इख्तियारात जो होते हैं वो वफाक के पास ही होते हैं, या जो गवर्नमेंट होती है वफाकी उसी के पास होते हैं। ये इख्तियारात जो है प्रोविंस के अंदर या आगे रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ये बेसिकली यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बात कर रहा है। बेसिकली वो ये यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें यही बात कर रहा था कि आप देखें कि लोगों की पार्टिसिपेशन, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं तो लोगों की पार्टिसिपेशन तब भी हो सकती है, लोकल लेवल पे मैटर्स तब भी सॉल्व हो सकते हैं जब गवर्नमेंट के अंदर लोकल लोग भी शामिल हो, उधर के मुकामी लोग भी शामिल होंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब लोगों की होगी तो मामला को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मामला बेहतर तरह से जो है वो हल किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वो ये भी साथ साथ बात कर रहे हैं कि आप अपनी मैक्स जितनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होगी उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने में, और जो मामलात हैं उनको बेहतर करने में उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा हासिल हो सकता है, ठीक है जी। और अगर वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप डिवीजन ऑफ पावर नहीं करते, इख्तियारात जो है वो आप अपने पास रखते हैं, तो उसका एक नुकसान ये भी हो सकता है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर तमाम लोड होगा, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो अच्छी नहीं होगी। देखिए एक बंदे के पास आप उसको 10 काम कह देंगे तो उस बेचारे का जो है वो एक के ऊपर से भी ध्यान उठ जाएगा, जो अच्छा तरीके से कर रहा होगा वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर की जाए। लेकिन यूनिटी सिस्टम में आप देखते हैं जब इकतदार किसी एक बंदे के पास होता है तो उसकी कोशिश होती है कि सारे के सारे इख्तियार जो है वो मेरे पास रहे, चाहे सही चले या ना चले, उससे इख्तियार उसके पास होने चाहिए। और ये आपको डिक्टेटरशिप के अंदर मिलिट्री इन्वेजन के अंदर नजर आता है, जब मिलिट्री आप आती है आप देखते हैं मार्शल लॉ लगता है तो उसमें तमाम इख्तियार, इसमें इसके बहुत सारे नुकसान भी है, मैंने शायद आपको पहले भी डिस्कस किया था। इससे फॉरन इन्वेस्टमेंट आना खत्म हो जाती है, ठीक है। इससे जो कंट्री का एक खुद एतमादी होती है, उस कंट्री के ऊपर जो रिलायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और उस हवाले से फिर आप देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो उस कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं करती, तो वो बहुत ज़्यादा इसके नुकसान नज़र आते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे एक बंदे के पास फैसला होता है, उसकी वो किसी को भी कुछ भी चेंज कर सकता है, तो जो कंपनीज होती हैं वो डरती हैं इन्वेस्टमेंट करने से, तो इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल वैसे जनरल बात करें कि आपके जितने भी मामला आप देखते हैं, स्पेशली आपकी जो हुकूमती मामलात या तरक्की के हवाले से आप देखते हैं, तो उसमें आपको नज़र आता है कि जितना बल्कि आपकी ये डिक्टेटरशिप में बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम हुए, और बहुत सारे हालात शायद आपकी डेमोक्रेसी से कई दफ़ा बेहतर भी हुए हैं डिक्टेटरशिप के अंदर। तो ये हमारा अलमिया कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इतनी जान नहीं है, या हमारी जो डेमोक्रेसी है इतनी वीक है कि डिक्टेटरशिप भी उसमें जो है वो डोमिनेंट होती नज़र हमें कई दफ़ा आती है, किसी किसी टेन्योर में नज़र आती है। बहरहाल यूनिटी का मतलब है जी, हम पहला पेज पढ़ रहे हैं जी, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट के वाले से पहली हेडिंग, पहला पैराग्राफ। और वो बात ये कर रहा था कि डिवीजन ऑफ पावर की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटी मैंने बता दिया एक इकाई एक, और फेडरल होती है वफाकी हुकूमत, ठीक है जी। आगे मैं यूनिटी गवर्नमेंट पढ़ रहा हूँ, जरा पैराग्राफ सुनिएगा। द पैटर्न ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल और लोकल गवर्नमेंट इज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई गवर्नमेंट्स इनटू फेडरल और यूनिटी फॉर्म। इन अ यूनिटी स्टेट देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द नेशनल गवर्नमेंट होल्ड समवट पैरामाउंट पोजिशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। दो लोकल इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लोकल अफेयर्स, बट दे आर सबॉर्डिनेट टू द नेशनल गवर्नमेंट। देयर पावर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्पेसिफाइड बाई द गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन मे डीमार्केट द पावर ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, बट द लोकल इंस्टीट्यूशन डू नॉट डिप्राइव देयर पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, do not derive their powers. The national government may grant maximum power to local units and it's the in the case in Britain, but that does not change the
चार्टर ऑफ यूनिटी सिस्टम। एट द प्रेजेंट यूनिटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, टर्की, पोर्चुगल, इजराइल एंड कीनिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे जी, सॉरी, यूनिटी देखिए कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की जो पैटर्न है उससे ही पता चल जाएगा कि ये जो लोकल लोग नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको चलाने से पता चल जाएगा ये यूनिटी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोकल आप की जो डिवीजन ऑफ पावर होती है लोकल लेवल के ऊपर जो है वो नहीं होती, इख्तियारात जो होते हैं वो तमाम नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, वो अपने जो इख्तियारात को है वो डिवाइड नहीं करती। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी उस वक्त आप देखते हैं डिक्टेटरशिप में इतना ज़्यादा उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, और जो है ऑफिशियली डिक्टेटरशिप जो है वो 3 माह के अंदर अंदर उसको इस चीज़ की मिजाज है कि उसको इलेक्शन करवा के दोबारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए, लेकिन इकतदार का नशा बड़ा आप देखते हैं यहाँ पे बुरा है, और 10-10 साल 11-11 साल इकतदार से चिमटे रहे आपके डिक्टेटर्स जो है। बहरहाल कम टू द पॉइंट, तो वो कहते हैं कि जो नेशनल गवर्नमेंट होती है इसके पास तमाम ये पैरामाउंट पोजीशन पे होती है, पैरामाउंट होता है इसके पास सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा इख्तियारात इसी के पास होते हैं, और बेसिकली अगर डिवीजन ऑफ पावर होती भी है लोकल अफेयर्स के अंदर तो उनके वो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके साथी होते हैं, अल्टीमेट जो इख्तियार होता है वो फिर नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होता है। जैसा कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप यहाँ पर देखते हैं कि हम आपका अक्सर ये वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहता है कि वफाक जो सूबे उनके पास अपने इख्तियारात हैं, उनके पास अपनी अथॉरिटी है, सूबों को ये राइट हासिल है, तो ये वो डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ इख्तियारात सूबों को देता है कि जो कि वफाक के अंडर नहीं भी चीजें आती कि वो अपने मामलात जो है वो अपने तौर पे चला सके, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो अक्सर आपकी सिंध हुकूमत और ये आपस में सिंध और वफाक के दरमियान बड़ा फड्डा रहता है कि हुकूमती इख्तियारात के हवाले से इख्तियारात जो है वो हुकूमत के पास जो है वो ये है और सूबे के पास हमारे अपने इख्तियारात हैं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसकी मर्जी है, वो चाहे तो आपको इख्तियारात दे सकती है लोकल यूनिट्स पे, लोकल लेवल के ऊपर वो दे सकती है और मामलात को जो है वो चला सकती है, लेकिन ये फिर उसके पास उसकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है, वो उसको कितना राइट देती है, उसके ऊपर कितना मामलात के ऊपर अमल करती है, इट्स डिपेंड ऑन द करंट नेशनल गवर्नमेंट। आप वो बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कहाँ कहाँ आपको मेजर ज़्यादा नज़र आती है, उसमें जो मेजर कंट्रीज की वो बात करता है उसमें आपका ये जो है ब्रिटेन नज़र आता है, फ्रांस, इटली, स्पेन, न्यूजीलैंड, आप ये 2-4 कंट्रीज को ज़हन में रखें। अब देखिए यहाँ पे तो आप मेरे सर यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप नहीं है, ज़्यादा तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन आप तो यूनिटी सिस्टम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें एक किस्म के जो इख्तियारात हैं यहाँ पे, जैसे अब देखते कि प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्ट होता है ब्रिटेन के अंदर भी सारा, लेकिन अल्टीमेट जो एक अथॉरिटी है वो कहीं और से भी कमांड होती है। ठीक है, इख्तियारात जो है वो तमाम इनके पास नहीं होते, मामलात कहीं और से भी तय होते हैं। हालांकि आप देखते हैं कि तमाम जो स्पेशली ब्रिटेन के अंदर आप देखते हैं और ये फ्रांस के अंदर भी देखते हैं कि जो इख्तियारात है टोटली वो लोकल यूनिट्स को दी जाती है, लोकल यूनिट्स के पास इख्तियारात होते हैं, उनको पावर्स भी दी जाती हैं, लेकिन वो एक बात बड़ी क्लियर करा, बड़ा इंपॉर्टेंट बना कहता है इसका ये मतलब नहीं कि आप यूनिटी सिस्टम के करेक्टर को चेंज कर सकें कि जी ठीक है बेशक इसमें मैं इख्तियारात मेरे पास है लेकिन मैं आपको छूट इतनी दे देता हूँ कि ठीक है आप काम करें, तो आप कह लें कि जी अब तो नहीं है यूनिटी गवर्नमेंट क्योंकि मैंने तो इख्तियारात डिवाइड किए हुए हैं। लेकिन देखिए डिवाइड किसने किए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड नहीं किए, वो आइन उनको काम करने की इजाज़त नहीं देता, वो एक इंडिविजुअल पर्सन ने खुद अलाउ किया है कि इख्तियारात डिवाइड। तो आप वो कहते हैं इसको ये नहीं आप कह सकते कि आप जो है इस यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो आप कह लिए फॉर्म है यूनिटी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं इख्तियारात हमने डिवाइड किए, इख्तियारात जो है वो मुफाहमत के साथ मामला तय किए जाते हैं, उसमें कंसल्टेशन शामिल होती है लोकल अफेयर्स लोकल गवर्नमेंट की सॉरी लोकल इदारे जो है उनकी पार्टिसिपेशन शामिल होती है, लेकिन बात फिर वो जो मैं कर रहा हूँ के कॉन्स्टिट्यूशन आइन उनको इख्तियार नहीं देता, जैसे कि आपको बताया कि सूबों के अंदर आइन कॉन्स्टिट्यूशन उनको इख्तियारात कुछ देता है, तो इसी तरह ये बात करें कि यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और ये भी आप
बेशक आपने तमाम इख्तियार लोकल गवर्नमेंट को दिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम जो है वो नहीं है। ठीक है, उसमें टर्की की एग्जांपल भी देता है, और स्कैंडिनेवियन कंट्री आपकी जो होती है लेटविया, ये 3, 4 और 5 स्टेट्स आपकी ये होती है, और प्लस आपकी और कौन सी, इसराइल एंड कीनिया की बात करें, पोर्टुगल की बात करता है, इसमें से आप 2-3 भी याद रख लें तो इज मोर देन इनफ है। अच्छा जी, आज स्टूडेंट्स आप इतने कम क्यों है, 5-6 स्टूडेंट्स है, मेरा तो मज़ा ही नहीं आ रहा आज। मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा जो है ये, सर जी वो जुम्मे की वजह से आए बहुत कम है। यार ये जुमा तो हर जुमे हुआ करेगा, उधर ये कॉलेज में भी जुमा होता था, ये तो हर जुमे अगर एक काम होता तो काम खराब हो जाएगा। जुमा यार हमने भी पढ़ना है, कोई जुमे है जिनके हैं उनको, तो मुझे पता है जुमा जिन्होंने पढ़ना है, हमने भी जुमा पढ़ना होता है, उनको कहा करें कि जरा आपके फ्रेंड्स हैं उनको कहें जुमा 1:30 बजे पढ़ लिया करें, अगर दूर भी थोड़ी मस्जिद में अगर आपको जुमे का टाइम मिलता है, करीब वाला 1 बजे का टाइम है, 1:15 का टाइम है, तो कोई नहीं दूर पढ़ लिया करें, सवाब का काम ही है। कॉलेज भी पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्लास ले लिया करें, कुछ 4 लफ्ज़ सीख लेंगे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इनको मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। मेरे आज फिर हम बहुत ज़्यादा और डिटेल में नहीं पढ़ते इसको, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे कल इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो क्लास में हम और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते थे, स्पेशली आपकी ये जो करंट हालात होते थे इर्द गिर्द के, उनको भी हम लोग 2-4-5 मिनट अक्सर डिस्कस कर लेते थे। अब आप देखते हैं कि आपको वो नज़र नहीं आते। अच्छा, एक है जी फिजान चट्ठा और एक है जी चौधरी फिजान गुराया। चौधरी फिजान आप मेरे साथ है ना उस पे रबते में, गुराया साहब, फिजान गुराया, जी यस सर, फिजान जी खान यही गुराया, है। जी फिजान गुराया ही मेरे साथ अटैच है, मेरे साथ है वो। गुराई सर, अच्छा दूसरा वो चट्ठा, गुराई सी आ रहा है। जी सर मैं ही टाइप हूँ। अच्छा ठीक है। मैं आपकी जरा अटेंडेंस को भी मार्क कर लूं जरा, एक मिनट जरा रुकिएगा। मैं आपके नाम जरा रिकॉल करता हूँ, आप जरा सुन लीजिए कि यही स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। जी मोहम्मद हैदर आप प्रेजेंट बोलते जाए। हाँ जी सर, प्रेजेंट जी, और उसके बाद तलहा, तला मुदस्सर, सर, उसके प्रेजेंट बाद उस्मान अली, प्रेजेंट सर, फैजान गुराया, हुसनैन यस सर, जट, यस सर, ये आईज वट्टू, अयाज वट्टू, यस सर, अयाज है। अच्छा ये अयाज में डबल ए नहीं आएगा? वो सर बे फार्म पे और अच्छा आईडी कार्ड पे एक सिंगल वाला लिखा हुआ है। अयाज, ठीक है अयाज वट्टू। रोल नंबर आपका 24 है? ठीक यस सर, है। फिजान चट्ठा, फिजान साहब आप बड़ी जल्दी आए हैं क्लास के अंदर, आप अटेंडेंस बोलेंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आगे चांद लतीफ, यस सर, ओके चांद, ठीक है।
और कुछ स्टूडेंट बात पूछना चाहते हैं के हवाले से तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और वैसे भी ओवरऑल भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लेते होते अक्सर, लेकिन इधर आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको ज्यादा नजर नहीं आता यहाँ पे हमारा सेम लेक्चर टू लेक्चर बस होता है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम भी आपको पता है कम होता है यहाँ पे, 35-40-45 मिनट तो ऑलरेडी होते हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अल्लाह भी बेहतरी करे कोरोना के हवाले से, तो फिर लाजमी हम लोग ये बातें भी कंटिन्यू किया करेंगे साथ साथ थोड़ी सी, क्योंकि आपको एज ए लॉ स्टूडेंट आपको सराउंडिंग्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या आपके सराउंडिंग्स में चल रहा है, क्या सराउंडिंग्स में हो रहा है, तो आपको इसका भी जो है वो नॉलेज होना चाहिए। एनीवे किसी लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा, स्पेशली जो आप देखते हैं सऊदीया और इसराइल के इतिहाद के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है उस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और साथ आपकी जो 2023 के अंदर जो आपका वायदा लुजैन है ख़त्म हो रहा है टर्की वाला, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा क्या इम्पोर्टेंस है इसकी और इस खत्ते के हवाले से, और ये क्यों टर्की के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो पार्स है सुपर पार्स स्पेशली उनको क्या परेशानी है इस मुआहदे के हवाले से, तो इसको भी इंशाल्लाह हम लोग जो है वो किसी दिन ऐसे आपके नॉलेज में इजाफे के हवाले से मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। जी बेटा 10 जनवरी उम्मीद तो बहुत है इंशाल्लाह ताला, जो टाइम है उसके मुताबिक आपके 10-11 जनवरी को जो है वो 11 को आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो ऊपर हो जाएंगे, लेकिन फिर हालात को जरूर देखना है, हालात क्या है सराउंडिंग आगे हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। चले स्टूडेंट जुमे का टाइम है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ज्यादा दूध लंबा नहीं करते हैं, आप लोगों को जुमा भी पढ़ना है मैंने भी पढ़ना है, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कल हमारा जो टाइम है 12:30 बजे मेरी क्लास है, जी 12:30 बजे इंशाल्लाह 12:30 हाँ 12:30 इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल इस लेक्चर को, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।